फिर वो जो नया लड़का है टोपी पहना, वो जो अपना इसमें है, वो जो एक लड़की और वो जो अपने इसमें ये इंडियन आइडल में है, उसने राज कपूर का जो गाना गाया वो रणधीर कपूर के उपस्थिति में यूट्यूब पे आता है, तो मैं वो बहुत बार अभी आते हुए भी सुन रहा था। इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पवनदीप राजन युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी सिंगिंग से सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है। इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी पॉपुलर थे। वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाकर अपनी परफॉर्मेंस देते दिख चुके हैं। पवनदीप राजन ने तबला, गिटार, पियानो, ड्रम जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। इनकी ये परफॉर्मेंस आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। अब पवनदीप राजन ने बॉलीवुड में एंट्री की है। सिंगर के साथ साथ वो म्यूजिक कंपोजर भी बन गए हैं। वहीं पवनदीप की फैन लिस्ट काफी बड़ी है। देश के बड़े बड़े सेलेब्स उनके सिंगिंग के फैन हैं। वहीं अब पवनदीप राजन की तारीफ देश के केंद्रीय मंत्री ने की है। उन्होंने साफ साफ बताया कि वो पवनदीप के गाने को पसंद करते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पवनदीप राजन की तारीफ की है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो संगीत के दीवाने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक लड़का है टोपी पहनता है, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है। वो इंडियन आइडल में दिखा था, उसके साथ एक लड़की भी थी जिससे उसको जोड़ा गया था। उसने राज कपूर साहब का सॉन्ग गाया था जब रणधीर कपूर मौजूद थे। मैं अभी भी यूट्यूब पर सुनता हूँ, कमाल का गाता है वो लड़का। उसने कुमार सानू का भी गाना गाया है, तो मैं ये सब सुनता हूँ, मुझे संगीत से प्यार है। आपको बता दें पवनदीप राजन के फैन सिर्फ बॉलीवुड के सेलेब भी नहीं बल्कि राजनीति और क्रिकेटर भी हैं। धाकर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी पवनदीप के बड़े फैन हैं। उनको उनकी सिंगिंग बहुत पसंद है। सहवाग ने कहा, पवनदीप जब इंस्ट्रूमेंट बजाकर परफॉर्मेंस देते हैं तो दिल गदगद हो जाता है। उसने बहुत से पुराने गाने पर परफॉर्म किया है। मुझे उनके गाने का अंदाज बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको बता दूं पवनदीप राजन के फैन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कई बार पवनदीप से मुलाकात की है। उनका मानना है कि पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपको बता दें इन दोनों अरुणत और पवनदीप साथ में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। दोनों को देखने और सुनने के लिए हुजूम जमा होता है। दोनों के फैंस दोनों के डुएट को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। दोनों अपनी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज से सबके दिलों में बस गए हैं। अरुणित और पवनदीप हर कॉन्सर्ट में अपनी आवाज का जादू चलाकर सबका दिल जीत लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वोल्फ को, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।